ओम शांति। ओम शांति। कल रात को ही सोएंगे आप, एक भी बुरे स्वप्न नहीं आएंगे, तब आपको विश्वास होगा कि ये गोली खाने से ये गहरी नींद आई, कोई बुरे स्वप्न नहीं आए। पहले अंदर की सफाई चाहिए ना, फिर वाणी, फिर दृष्टि, फिर बोल, फिर कर्म बाद में। पहले अंदर सफाई करो, पहले घर में झाड़ू लगाओ। अंदर गंदगी और बाहर सफाई किया तो क्या फायदा? शरीर को अच्छे कपड़े पहने, अंदर स्नान ही नहीं किया चलेगा? किसी के बाजू में बैठो बास आती है। देवताओं का शरीर स्वच्छ है ना, तब कहते हैं ब्राह्मण दो दफा स्नान करते पसीना आता है। किसी के बाजू में बैठो बास आती नहीं, शरीर स्वच्छ। बीमारियों का कारण पता होना चाहिए कि शरीर स्वच्छ नहीं। पसीना आया एक सवेरे शाम को दो दफा स्नान करो, नहीं पानी नहीं गीले कपड़े करके पोंछ लो। शरीर को पानी, ये चमड़ी को पानी लगता है, सड़ता है, वहां बारीक बारीक जर्म्स कीड़े तैयार होते हैं। अगर आप कहेंगे ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस पर दूरबीन लगाओ, देखना इतने बड़े बड़े कीड़े घूमते हैं। अपने आप ऐसे वो नहीं होता है। चमड़ी के अंदर एक खुजली क्यों खाई? तो पानी पसीना आया, सड़ जाता है। तो इसका ज्ञान चाहिए, ऐसे दिखाई नहीं देगा, बारीक होते हैं। फिर आप दूरबीन लगा करके देखो तो कितने बड़े बड़े कीड़े घूमते हैं। तो शरीर को स्वच्छ रखना जरूरी है। आप देख लो, खाना भी बना को एक दो घंटा रखो, देखना 40 मिनट एक घंटा खाना बना के रख सकते हो। एक घंटे के बाद हवे के अंदर भी बारीक बारीक कीड़े हैं। आप देखते हो मच्छर बरसात आई, देखो कितने खेती में यहाँ कीड़े हैं। लाइट आई जलती है तो लाइट के पीछे देख लो कितने मच्छर कहाँ पैदा होते हैं। जो आज की दुनिया में कैंसर क्या है, कीड़े पैदा होते हैं, अंदर सड़ता है शरीर के अंदर। खाना बना के रख दिया हमने, दो चार घंटे के बाद खाया नहीं, 40 एक घंटा, जैसे ठंडा हो गया अंदर सड़ने शुरू हो जाता है। आप सब्जी ला के घर में रख तो दो एक दिन के अंदर देख लो सड़ जाती है, तो खराब हो जाती है। ऐसे ही अन्न भी, तो आप कहेंगे धक्के रखा तो भी हवे के अंदर बारीक बारीक जर्म्स है। तो ये कली की दुनिया में शरीर की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, मन और तन दोनों स्वच्छ हो। मन स्वच्छ रखने के बताया, किसी को देखते कितना भी खराब हो वो खराब है, लेकिन उन खराब व्यक्ति को ठीक करना है ना कि अच्छे व्यक्ति को ठीक करना है। उनको देखते ही शिव बाबा भगवान आप इनका भला करो। भगवान कौन? तो शिव, शिव बाप है हमारा। पिताजी को कुछ कहेंगे तो सुनेंगे, दूसरा कोई सुनेगा नहीं है ना। तो ये एक है, लेकिन आप पूछेंगे भाई जी बहुत जन्मों से किए हुए पाप वो मिटेगा नहीं? उसको मिटाने के लिए एक निराकार के साथ ध्यान लगाना चाहिए। तो वो ध्यान कैसे लगाना है वो बताता हूं, क्योंकि आत्मा का जाम परमात्मा है, डॉक्टर है। डॉक्टर के पास आपको जा करके दवाई लेना पड़ेगा ना, फिर डॉक्टर जैसे कहते हैं वैसे दवाई लेंगे आप, तब बीमारी ठीक होगी। भगवान कौन है उसको पर आपको कोई संदेह नहीं, एक निराकार है, ऊपर ब्रह्मांड में रहता है। सूर्य एक है, दो नहीं है, एक ही दिखाई देता है, उसकी रोशनी चारों तरफ है। चंद्रमा दो नहीं है, एक ही है ना, उसकी रोशनी है चारों तरफ। तो एक सूर्य है एक सृष्टि के लिए, एक भगवान जो निराकार पतित आत्मा को पावन, वो भी सूर्य जैसा ही प्रकाश है, तो पतित आत्मा को पावन करता है। तो उसकी शक्ति चाहिए, तो उसकी अगर शक्ति चाहते हो तो कैसे ध्यान लगाएंगे? तो महान आत्मा तो नहीं हो आप, अभी तो महान, अभी तो गुस्सा आता है ऐसे कहने से मंत्र जैसे हो गया ना, मैं महान आत्मा, महान तो नहीं हो। तो डॉक्टर को बताएंगे मुझे कोई बीमारी नहीं, तो फिर क्यों आए हो? पूछेंगे आप महान हो और भगवान के पास क्यों आए हो? हाँ, मेरे डॉक्टर के पास जब जाते हो मुझे ये बीमारी है तब मैं आया हूं, तो आपने पहले कहा मैं महान आत्मा हूं,
नहीं ऐसे नहीं, देखो भारत के अंदर एक हाथ से नमस्ते नहीं करते हैं, दो हाथ जोड़ते हैं। ये शरीर का है, आत्मा के बाद भी दो हाथ है, एक है मन और एक है बुद्धि। आत्मा के अंदर पाप है ना, शरीर का नहीं है। यहाँ मन मुख का आवाज नहीं, मन और बुद्धि इन दोनों को एक करना है और परमात्मा से जोड़ते, उसकी शक्ति इस पाप को मिटाती है। जैसे यहाँ करंट है, दो एक तार जोड़ो तो लाइट नहीं आती है, दो तार जोड़ेंगे तो करंट आता है, तब बल्ब जलता है। तो यहां भी अगर आपको शक्ति चाहिए तो दो तार जोड़ना पड़ेगा, तो वो शक्ति आपके पाप को मिटाती है। एक महीना रोज ये दवाई खा के देख लो आप, तब देखना जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं वो बुरे स्वप्न देखो मिटते जाएंगे। तब आपको विश्वास होगा कि बुरे स्वप्न आते थे कहां चले गए, कि भगवान की शक्ति। जैसे डॉक्टर की दवाई लिया, ये सिरदर्द चला गया। तो यहां भी विधि पूर्वक अगर आप ध्यान लगाते हो, एक घंटा नहीं, 5-10 मिनट सवेरे, 5 मिनट शाम को, 5-10 मिनट अगर ध्यान लगाते हो उसकी शक्ति से। जैसे धूप में बैठो, सूर्य की किरणें पड़ती है, पसीना निकल जाता है शरीर का, आत्मा का पसीना निकलना चाहिए जो गंदगी, तो उसके लिए उस सूर्य की किरणें चाहिए, शक्ति चाहिए। वो कैसे मिलेंगी, जैसे उदाहरण बताओ, आपके पास मोबाइल है, मेरे पास भी है, मैं आपसे बात कर सकता हूं, आप मेरे से बात कर सकते हो, कर सकता है, मोबाइल है आपके पास, कर सकते हो, नहीं क्यों नहीं करो, मोबाइल है, नंबर चाहिए ना। आप भगवान से बात कर सकते हो, आप कहते हम भगवान से बात करते, बात करो, भगवान का नंबर कैसा, तो आपका आवाज यहां नहीं आ सकता है, तो आपका आवाज वहां कैसे पहुंचेगा, ये भी जानना चाहिए, समझ चाहिए ना। तो भगवान का भी नंबर चाहिए है, तो यहां आपका आवाज भगवान तक कैसे पहुंचेगा, तो उसका नंबर है, उसी को ध्यान करने की विधि कहते हैं। तो वो क्या, कुछ भी नहीं, आराम से बैठो, आंखें खोल के बैठना, आंखें बंद करते सोते समय, ध्यान करते मैं आंखें बंद नहीं करता है, आंखें खोल के बैठ के अपने आप से बात करो, 5 प्रश्न पूछो, 5 नंबर है। एक पूछो बैठते ही, मैं कौन, फिर हम लास्ट में करेंगे, हाँ अभी सुनना चित्र से। तो अपने आप से पूछो, मैं पूछो भाई जी आपका नाम, तो आप बोलेंगे ना, आप आएगो, आप बताएंगे ना, ऐसे ही आराम से बैठो, अपने आप से पूछो मैं कौन, कौन जवाब देगा, कौन देगा, आत्मा किसको, किसने पूछा, दो चाहिए, मैंने माता शरीर बोलता है नहीं, किसने किसको पूछा, मन ने बुद्धि को पूछा, जो ज्ञान सुनते हो बुद्धि को याद है, मन पूछता है मैं कौन। हाँ उस दिन बहन जी ने कहा था ज्ञान में कि मैं सर्वशक्तिवान शिव भगवान का बच्चा हूं, कोई मनुष्य का, कोई देवताओं का नहीं, जो भगवान सर्वशक्तिवान है विश्व बाबा, उस बाप का बच्चा हूं मैं। एक जवाब, एक अंगुली जुट गई। दूसरा, मेरा रूप कैसा है, मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रुकुटी के बीच में बैठा हूं। तीसरा, मेरे गुण आत्मा के 7 गुण हैं, जब मैं आया था सृष्टि पर पवित्र आया था, अभी नहीं हूं, था पहले, अब मुझे बनना है। जब मैं आया था बिल्कुल शांत शीतल था, जब मैं आया था क्यों आया था, सुख भोगने के लिए आया था, सुख स्वरूप आत्मा हूं। जब मैं आया था भगवान ने सर्वशक्तियां दी थी, सहन करने के, समाने के, निर्णय करने के, परखने के सर्वशक्तियां दी थी। जब मैं आया था सब प्रकार का ज्ञान दिया था, ज्ञानी तो आत्मा था, और 7वां संतुष्ट आत्मा था, मांगने वाला नहीं, ये दे दो ये दे दो मांगने वाला नहीं, भगवान के बच्चे संतुष्ट आत्मा था, आनंद स्वरूप आत्मा था, भरपूर था, 7 गुण थे मेरे। एक एक गुण को याद करो, मेरे गुण कौन से थे, आज मेरे गुण कौन से है, क्रोध आ रहा है, ये चाहिए मांगने की इच्छा, ये आसुरी गुण हो गए। जब इन धरती पर हम आए थे तब दैवी गुण थे, एक एक गुण याद दिलाओ। चौथा, मेरे कर्म, मैं क्या करता हूं, इस ब्रकुटे में बैठा, देखना है तो आंखों से इधर उधर देखता हूं, बोलना है तो मुख से बोलता हूं, चलना है तो पाँव से चलता हूं, इस शरीर को चलाता हूं।
अगर मैं शरीर को चला, जब योग में बैठते हो कौन आया कौन गया, इधर उधर नहीं, एक जगह देखते बैठना है, स्थिर। पांचवा, मैं कहां से आया? ऊपर ब्रह्मांड से आया। शरीर कहां से आया? मट्टी में जो चीज बनती है, खा के शरीर बड़ा हो गया, कल मट्टी में मिल जाएगा। मैं मट्टी से आया, मैं ऊपर से आया। ये पांच नंबर याद रखना, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया, ये आत्मचिंतन, फिर परमात्म चिंतन, तब उसकी शक्ति हमारे पाप को मिटाते। आत्मचिंतन और प्रभु चिंतन का परमात्म चिंतन, अभी परमात्म चिंतन कैसे करना वो बताता हूं। आत्मचिंतन की बात याद रखो, अगर आत्मचिंतन नहीं किया, आत्मा को जागृत किया नहीं, नंबर ठीक नहीं लगाया, तो आपका आवाज हमारे तरफ आता नहीं है। आप कितना भी फोन करो, कितना भी पूजा पाठ करो, आपका आवाज ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि आत्मा का ही आवाज ऊपर जाता है, शरीर का आवाज ऊपर नहीं जाता है। समझ में आया?